धनतेरस के दिन सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 19 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं अन्य नक्सलियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इश्यू था। बताया जा रहा है कि यह नक्सली संगठन में कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। सभी नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। सर, जिले में 19 नक्सली गिरफ्तार हुए, अलग अलग मामलों में, सर क्या जानते हैं? सुकमा जिले में थाना भेजी और जगरूडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था, और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली हैं जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनके पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, इनको रिमांड पर जेल किया।